एक वक्त तक टीम इंडिया की जान रहे सुरेश रैना लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं और वापसी की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये सुर्खियों में हैं। कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कुछ अराजक तत्वों ने कुछ अराजकता जैसे तत्व फैलाए हैं और उन तत्वों में शामिल है कि जहां उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु जैसी फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कई और फेक वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें कहा गया है कि सुरेश रैना का हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। अब इस अफवाह से परेशान होकर सुरेश रैना सोमवार को खुद सामने आए और ट्वीट करके उन्होंने इस अफवाह को नज़रअंदाज करने की बात कही। अपने ट्वीट से परेशान सुरेश रैना ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर मेरी कार एक्सीडेंट की फेक खबर चलाई जा रही है। इस फर्जी खबर से मेरी फैमिली और दोस्त बुरी तरह से परेशान हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की खबरों को नज़रअंदाज करें। ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिन चैनलों ने इस तरह की अफवाह उड़ाई है वो रिपोर्ट किए गए हैं और उम्मीद जल्द ही कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद हो कि अंडर 19 क्रिकेट में अपनी पहचान बनाकर भारतीय क्रिकेट में छाने वाले सुरेश रैना 226 वनडे मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 26 अर्धशतक की मदद से 5615 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 78 मैच खेले और 1605 रन बनाए हैं। वहीं तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में सुरेश रैना का नाम भी शामिल है। उनके नाम 18 टेस्ट में 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट करियर में उन्होंने 768 रन बनाए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी हैं सुरेश रैना के फैन और चाहते हैं कि सुरेश रैना की वापसी हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और आगे ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।